हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिलियन मैथ क्लास। द ओपनिंग टुडे वी आल्सो डिस्कस चैप्टर ऑफ डिप्रेसिएशन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिप्रेसिएशन चैप्टर के कुछ क्वेश्चन के बारे में, जो एग्जाम के लिए बहुत ही वेरी क्वेश्चन है। और इसके पहले आप लोग को मेरी तरफ से ये अनुरोध है कि अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों को बताइए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.3 के कुछ क्वेश्चन, जिसमें कुछ फॉर्मूला वीवीआई है, जैसे साइन इनवर्स एक्स का डीसी होता है 1/√1 − x², कॉस इनवर्स का होता है −1/√1 − x², टैन इनवर्स का होता है 1/1 + x², कॉट इनवर्स एक्स का होता है −1/1 + x², सेक इनवर्स एक्स का होता है 1/(x√x² − 1), और कोसेक इनवर्स एक्स का होता है −1/(x√x² − 1). और ऐसे तो जानते हैं लॉग एक्स का डीसी 1/(x) होता है, e^(x) का डीसी e^(x) होता है, √x का डीसी −1/√1 − x² होता है। मतलब ये सब आपको क्लियर होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 9, एक्सरसाइज 5.3, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। दिया है वाई बराबर साइन इनवर्स 2x/√√1 + x², वाई बराबर साइन इनवर्स 2x/1 + x², ये फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का। किसका फॉर्मूला होता है? 2 tan इनवर्स x का होता है, साइन इनवर्स 2x/1 + x². जब डीसी करेंगे हम लोग तो dy by dx बराबर हो जाएगा d, 2 तो कांस्टेंट है, d tan इनवर्स x बटा dx, यानी 2 और tan इनवर्स x का 1/1 + x² हो जाएगा, यानी 2/1 + x² आ गया। ये हम लोग का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 y बराबर tan इनवर्स 3x − x³/1 − 3x² कंडीशन दिया है −1/√3 से बड़ा है और छोटा है कितना से 1/√3 से। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको लिख सकते हैं, फॉर्मूला होता है क्या मालूम है आपको, tan इनवर्स x का 3 tan इनवर्स x / tan इनवर्स 3x − x³/1 − 3x² होता है। अब जब डीसी करेंगे हम लोग तो dy by dx बराबर 3d tan इनवर्स x / dx, यानी 3 tan इनवर्स x का होता है 1/1 + x², यानी 3/1 + x², ये हुआ हम लोग का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन आपके लिए बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है y = cos इनवर्स 1 − x² / 1 + x² कंडीशन दिया है 0 से बड़ा x और छोटा है 1 से। तो इस क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, इसको हल करना है हम लोगों को, तो हम इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला है किसका, 2 tan इनवर्स x का, या x/tan का मानिए, हल कीजिए वो आ जाएगा। तो अब डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x dy/dx, d 2 तो कांस्टेंट है, tan इनवर्स x/dx बताइए 2 tan इनवर्स x का क्या होगा 1/1 + x² यानी 2/1 + 1 x² हो गया। चलिए रहा हम लोग का आंसर। चलिए देखिए दिया है y = sin इनवर्स 1 − x² / 1 + x² यहां लेट करते हैं, लेट x = tan थीटा। तो बताइए तो x बराबर थीटा बराबर क्या होगा, tan इनवर्स x होगा ना। चलिए y = मानते हैं sin इनवर्स 1 − tan² θ / 1 + tan² θ, ये फॉर्मूला होता है cos 2θ का। क्या होता है y = sin इनवर्स cos 2θ, और कॉस को लिख सकते हैं साइन
पाई बाई टू माइनस टू थीटा होगा, तो साइन साइन कट जाएगा यानी साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स होगा यानी पाई बाई टू माइनस टू थीटा, यानी पाई बाई टू माइनस टू थीटा का मान क्या होगा टेन इनवर्स एक्स। जब डीसी करेंगे डीवाई बाई डी एक्स तो इसका डीसी क्या हो जाएगा जीरो होगा माइनस टू, और टेन इनवर्स एक्स का डीसी वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर यानी माइनस टू बटा वन प्लस एक्स स्क्वायर आंसर। देखिए लेट करते हैं, लेट एक्स बराबर टेन थीटा तो वाई बराबर थीटा बराबर क्या हो जाएगा जी यहाँ से ये टेन इधर आएगा तो टेन इनवर्स एक्स, वाई बराबर कॉस इनवर्स टू टेन थीटा बटा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा यानी वाई बराबर कॉस इनवर्स, बताइए टू टेन थीटा बटा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा बताइए। साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है, क्या होता है साइन टू थीटा यानी वाई बराबर कॉस इनवर्स, ये तो कटने वाला नहीं है तो लिख सकते हैं साइन पाई बाई टू माइनस टू थीटा यानी वाई बराबर कॉस साइन कॉस लिख सकते हैं कॉस यानी कॉस से कॉस हट गया तो पाई बाई टू माइनस टू थीटा यानी पाई बाई टू माइनस टू थीटा का मान टेन इनवर्स एक्स यानी डीवाई बाई डी एक्स बराबर पाई बाई टू का डी सी जीरो माइनस टू और टेन इनवर्स एक्स का डी सी वन बटा वन प्लस एक्स स्क्वायर यानी आ गया माइनस टू बटा वन प्लस एक्स स्क्वायर आंसर। चलिए हुआ आपका अपना अकाउंट सर, देखिए यहाँ वाई बराबर साइन इनवर्स टू एक्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर है, ये तो फॉर्मूला ही होता है कि टू साइन इनवर्स एक्स इसका फॉर्मूला होता है, और जब डी सी करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर टू साइन इनवर्स एक्स का डी सी क्या दिया है जी रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर यानी टू बटा रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये रहा हम लोग का आंसर। देखिए लास्ट क्वेश्चन वाई बराबर सेक इनवर्स वन बाई टू एक्स स्क्वायर माइनस वन है, मानेंगे लेट एक्स इक्वल टू कॉस थीटा तो थीटा का मान क्या मिलेगा कॉस इनवर्स एक्स यानी वाई बराबर सेक इनवर्स वन बाई टू एक्स के जगह पर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन हो गया तो टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन क्या होगा कॉस टू थीटा, और कॉस टू थीटा ऊपर जाएगा तो क्या होगा सेक टू थीटा सेक इनवर्स कट जाएगा यानी टू थीटा बच जाएगा टू और थीटा का मान क्या रखेंगे कॉस इनवर्स एक्स। अब डिफरेंशिएट करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी बाई डी एक्स और टू कॉस इनवर्स एक्स का क्या होगा माइनस वन बाई रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर यानी टू में माइनस वन से माइनस टू बटा रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, तो यहाँ पर इसका जवाब आ गया। तो यहाँ हम लोग का एक्सरसाइज 5.3 समाप्त हुआ, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अगर मैंने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ लाइक कीजिए शेयर कीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।